आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको एक ऐसी जानकारी एसबीआई के बारे में कि बिना ब्रांच जाए आप घर बैठे एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, चेक के लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे, सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एटीएम कार्ड ऑलरेडी इशू का एरर आ रहा है, तो इस एरर का भी सॉल्यूशन हम बताएंगे और सॉल्यूशन करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपका कोई एटीएम कार्ड नहीं है तो एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई अपने घर से नेट बैंकिंग से अपने मोबाइल से या सिस्टम से कर सकते हैं। चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए, एटीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एटीएम कार्ड ऑलरेडी इशू का एरर आ रहा है, तो उस एरर को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग ओपन कर लेना होगा। नेट बैंकिंग ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब नेट बैंकिंग क्या होता है, कैसे वीडियो बन नेट बैंकिंग बनता है, तो उसका बहुत सारा पहले से वीडियो बना हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप देख कर नेट बैंकिंग बना लीजिएगा। नेट बैंकिंग बनाने के बाद लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं और यहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन जान सकते हैं। और 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जानने के लिए यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट पे जाके आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ई सर्विस पे आएंगे। ई सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड सर्विस पे क्लिक करना होगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा देखें। एटीएम कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आपका एटीएम कार्ड पहले से है तो अगर खो गया है तो कहीं रखा चले गया तो ब्लॉक कर सकते हैं। एटीएम कार्ड की लिमिट को चेंज कर सकते हैं, जेनरेट पिन कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के लिए न्यू एक्टिवेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए न्यू एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट एटीएम डेबिट कार्ड, न्यू एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका एक ही एक मेरा एक ही अकाउंट, इसलिए एक ही अकाउंट शो कर। अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा आपके सारे अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, मतलब ये दोनों आपका ये अकाउंट नंबर दोनों सेम है तो इसमें आपको टिक मार्कर नहीं लगाना है, एक में लगा है तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड कैटेगरी आप क्या लेना चाहिए, डेबिट कार्ड या मास्टर माय कार्ड। अगर माय कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यानी कि अपने देश में विदेश में भी सभी जगह काम करेगा, और डेबिट कार्ड मतलब अपने देश में काम करेगा। तो मैं डेबिट कार्ड लेना चाहता हूँ, इसमें आपको कम चार्ज भी लगेंगे, इसमें आपको ज़्यादा चार्ज भी लगेंगे। लेकिन माय कार्ड में अपने एटीएम कार्ड पर आप फोटो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पूछा है डेबिट कार्ड पर कौन सा नाम आप रखना चाहते हो, वो सेलेक्ट करेंगे, वो इंटर करेंगे। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट ऑफ द कार्ड, ठीक है, प्लीज टाइप ऑफ द कार्ड, आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास से डोमेस्टिक मास्टर डेबिट कार्ड लेना चाहता हूँ, मेरा पहले भी यही था, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, मेरा खो गया था इसलिए मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। वीडियो को बारीकी से पूरी तरह से देखिए। उसके बाद पूछ रहा है अभी इस एटीएम कार्ड को किस एड्रेस पे लेना चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस पे लेना चाहिए या न्यू एड्रेस पे लेना चाहिए। मैं रजिस्टर्ड एड्रेस पे लेता हूँ, जो एड्रेस मैंने अकाउंट खुलवाते वक्त दिया था उसी पे लेना चाहता हूँ। उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरिफिकेशन आप ओटीपी के द्वारा या प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा देंगे। अगर ओटीपी के द्वारा देना चाहते हैं तो ओटीपी जगह आपके मोबाइल में ओटीपी इंटर करेंगे तब आगे का प्रोसेस होगा। चलिए मैं प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा करूँगा, मैं प्रोफाइल पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे प्रोफाइल पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरा प्रोफाइल पासवर्ड जो वो मांग रहा है। जब आप नेट बैंकिंग बनाते हैं तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों रखना पड़ता है, ठीक है। प्रोफाइल पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए सबमिट बटन पे जैसे क्लिक की यहाँ बता रहा है एटीएम ऑलरेडी इशूड टू कस्टमर, यानी बता रहा है एटीएम आपका कस्टमर का ऑलरेडी इशू है, यानी कि पहले से इशू कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे ई सर्विस पे। इस सर्विस में जाने के बाद एटीएम कार्ड सर्विस में क्लिक करेंगे। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट एटीएम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम प्रोसेस करना, आपको कार्ड कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है आप एटीएम कार्ड पे कौन सा नाम लेना चाहिए, वो नाम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप में देखिए आपका जो पहले एटीएम कार्ड था जो खो गया है, जो एटीएम कार्ड में ऑलरेडी इशू बता रहा है उस टाइप को आप चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ मेरा पहले मास्टर था, मैं मास्टर ही फिर कर रहा था तो नहीं ले रहा था, मैं अब वीजा कर देता हूँ, ठीक है, वीजा।
ठीक है, SBI क्लासेस डोमेस्टिक डेबिट कार्ड वीजा ये सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कार्ड का टाइप जो प्रकार था वो बदल दिया, अब ये अब ले लेगा। ठीक है, कार्ड का प्रकार बदलेंगे, टाइप बदलेंगे, ये ऑटोमेटिक लोड ले लेगा। ठीक है, ये मैं पहले मास्टर कार्ड दिया था, अब वीजा दिया, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पूछ रहा है कौन सा एड्रेस पे लेना चाहते, मैं रजिस्टर एड्रेस पे लेना चाहता, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे अपने अकाउंट को, मैं प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा। यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा, जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, कंग्रेचुलेशन योर कार्ड रिक्वेस्ट हैज बीन रिकॉर्ड, मेरा कार्ड का जो रिक्वेस्ट वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। यू विल रिसीव, आपको रिसीव हो जाएगा डेबिट कार्ड वर्किंग 7 से 8 दिन में रजिस्टर एड्रेस पे, रजिस्टर एड्रेस पे 7 से 8 दिन में, वर्किंग 7 से 8 दिन में रजिस्टर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे मैं अप्लाई कर चुका घर बैठे ATM कार्ड का। तो अब चलिए किस्त आप ATM कार्ड के अलावा चेकबुक का भी आप ऑनलाइन अपने घर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी, इस पर आएंगे, यहाँ पे चेकबुक रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। या उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है कितने पेज वाला चेक लेना चाहते हैं, 10, 20, 25, 50, तो 50 तो 50, तो अब इसको यही रहने देंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक करके आप से पासवर्ड मांगेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड, वो पासवर्ड देकर आप यहाँ से चेक का भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हिस्ट्री देख सकते कब आपने, मैं हिस्ट्री भी क्लिक करता हूँ, हिस्ट्री अकाउंट सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ। अब यहाँ भी बता रहा है चेक मतलब चेक नंबर, कब आपने अप्लाई किया था चेक और कितना नंबर तक आपको चेक मिला था, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने 2016 में अप्लाई किया था चेक का, 2019 में अप्लाई किया था, 2 बार अप्लाई किया था, 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहे हिस्ट्री भी। इसी तरह आप कर सकते हैं, अदर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देते हैं, हम आपको नई वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी को चेक काट के दे दिए या आपका चेक खो गया है, ठीक है, आपका चेक खो गया है तो आप उस चेक पेमेंट को रोक सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली सा इस पर आना है, रिक्वेस्ट इंक्वायरी पे स्टॉप चेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। स्टॉप चेक पेमेंट क्लिक करने में यहाँ पे चेक नंबर देना होगा, मतलब कितना चेक नंबर तक का आप पेमेंट को होल्ड करना चाहते हैं, मतलब स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा आपका जो टाइप था वो चेक कौन, नॉर्मल चेक था या मल्टी सिटी चेक था, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रीज़न, आप क्यों मतलब पेमेंट रोकना चाहते हैं, लॉस्ट हो गया तो खो गया तो यहाँ पे लॉस्ट कर देंगे। ठीक है, या आप कैश भी देती हैं और पेड भी चेक भी कर दिए तो यहाँ पेड इन कैश करेंगे, या अदर कोई रीज़न है तो अदर सेलेक्ट करके टिक मार्का लगा के और यहाँ पे सबमिट बटन भी क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह आप चेक पेमेंट को भी रोक सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल जानकारी वीडियो लाता रहूँ हमारे इस चैनल पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लाइक करके हमें ज़रूर बताएं।